तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में तो आज बजट 2023 पेश होने वाला है मोदी सरकार का ये दूसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट होगा यूपी को मिल सकता है 2.86 लाख करोड़ रुपए जी दोस्तों केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट 1 फरवरी यानी आज पेश किया जाएगा बजट में उत्तर प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं राज्य की बड़ी अपेक्षाएं इसी से हैं आप बता दें केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष दो हजार के लिए आम बजट एक फरवरी यानी आज पेश करने वाली है और बजट ऐसी पहले उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोग सरकार तक अपनी बात मीडिया के जरिए पहुँचा चुके हैं दोस्तों राज्य की बड़ी अपेक्षाओं में ऐसी एक एम्स एक आई और एक आई के अलावा जेयर एयरपोर्ट आरोप ऐलान को लेकर सभी की निगाह टिकी हुई है आज पेश किए जाने वाले बजट में यूपी को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है बजट में उत्तर प्रदेश को लगभग दो दशमलव आठ छह लाख करोड़ रुपए मिलना लगभग तय है दरअसल वित्त विभाग का अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों से राज्य को लगभग वन 1.67 लाख करोड़ रुपए केंद्र सहायता योजना और पंद्रहवीं वित्त आयोग के मदद में दसमलव एक नौ लाख करोड़ रुपए के करीब मिलने की उम्मीद है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 भी नजदीक है ऐसे में एक बड़ा राज्य होने की वजह से इसको अधिक लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश को मिलने की पूरी तरीके ऐसी उम्मीद है इस प्रकार राज्य को करीब दो लाख करोड़ रूपए मिलना तय माना जा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी नए संस्थान मिलने की उम्मीद है जेवर एयरपोर्ट को भी मिल सकता है बड़ा तोहफा और बजट में आयकर की सीमा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोगों ऐसी की गई बातचीत में जो एक आम बात सामने आई है वो है आम बजट में टैक्स राहत को लेकर व्यवसायिक समूहों के साथ टैक्स एक्सपर्ट और आम लोगों की मांग है की आयकर में पांच लाख तक की छूट मिल जाए तो यह एक बड़ी राहत होगी इसके साथ ही होम लोन के भुगतान पर भी टैक्स बेनिफिट की सीमा को दो लाख ऐसी बढ़ाकर पांच लाख किए जाने की बात भी सामने आ रही है बजट ऐसी उत्तर प्रदेश को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं दरअसल माना जा रहा है कि इस बजट से मोदी सरकार उत्तर प्रदेश को साधने का प्रयास करेगी इसके लिए योगी सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है तो इन सभी चीजों को लेकर जिस प्रकार से केंद्र का रुक रहा है तो माना जा रहा है कि यूपी की मांग सभी पूरी होंगी फिलहाल निर्मला सीतारमण बजट में इसका ऐलान कर सकती है वैसे आपका क्या मानना है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ आपको कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके पूछिए जिससे हम आपको जानकारी दे पाए और कोई एडवाइस हो तो वो भी आप हमको जरूर बताइएगा फिलहाल दोस्तों इतना ही धन्यवाद